खबरों में बात करते हैं आगर मालवा जिले के स्वास्थ्य विभाग की, जहां आशा उषा और आशा सहयोगियों ने मिलकर 300 की संख्या में हाथों में तकिया और नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी 7 प्रमुख मांगों को लेकर संयुक्त कलेक्टर वर्षा भूरिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें डिलीवरी केस लाने पर ठहरने की उचित व्यवस्था, वेतनमान निर्धारित करना, स्टाफ द्वारा उचित व्यवहार करना, बीमा देने की सुविधा, प्रतिदिन का भत्ता निर्धारित करना, कागजी कार्यवाही कम से कम देना, आशा सहयोगियों को सुपरवाइजर का चार्ज देना, अपनी इन सभी मांगों को लेकर आगरमालवा जिले से शुरुआत की। वहीं प्रदेश महामंत्री अशोक मीणा ने बताया, प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा और मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर भोपाल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विशाल विकास सामाजिक कल्याण समिति के माध्यम से आशा उषा और सहयोगनियों के न्यायपूर्ण मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इनकी 7 मांगे हैं, जिसमें शासकीय कर्मचारी इनको घोषित करना है। अभी इनको किसी प्रकार की कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से, और इनको सिर्फ जितना काम करते हैं 100 रुपये 200 रुपये ऐसे मिलते हैं टीकाकरण के हिसाब से, डिलीवरी के हिसाब से। तो इनकी ये 7 मांगे हैं, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। स्टाफ में बहुत ही बदतमीजी से इनके साथ में व्यवहार किया जाता है, किसी का कोई सम्मान नहीं होता है। जब ये अस्पताल में केस लेके जाती हैं, डिलीवरी लेके जाती हैं, तो इनको सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए और इन लोगों का बीमा होना चाहिए। इनका बीमा नहीं है, इन लोगों का बीमा होना चाहिए और प्रतिदिन के हिसाब से इनको दैनिक भत्ता भी दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट को, और कागजी कार्रवाई कम से कम होना चाहिए। जिस प्रकार से डिलीवरी केस लेके जाती है तो 3-3 दिन हो जाते हैं, जब डिलीवरी होती है तभी इनको वहाँ से छुट्टी मिलती है और बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है कागजी कार्रवाई में, ये बंद होना चाहिए। और रात के समय में विशेष करके जब ये डिलीवरी केस लेके जाती है, रात को 12 बजे 2 बजे भी कॉल आता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, किसी भी मौसम में इनको रात में जाना पड़ता है। लेकिन अस्पताल में इनके लिए रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, और विशेष करके इनको रुकने की व्यवस्था होना चाहिए, हर अस्पताल में इनकी व्यवस्था होना चाहिए। और जो आशा सहयोगनी है उनको सुपरवाइजर का दर्जा दिया गया है, लेकिन मानदेय बहुत कम मिलता है, 6,000 रुपये मिलता है, और 15 से 20 गांव इनको दिए गए हैं एक सुपरवाइजर को, और 15 से 20 किलोमीटर का इनका एरिया होता है जिसमें इनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। जितना इनका काम बनता है उस हिसाब से इनको बहुत कम मानदेय मिल रहा है, तो इसलिए इनको इनकी एक सैलरी होना चाहिए जो कि कम से कम न्यूनतम वेतन से इनको जोड़ना चाहिए। ये इन मांगों को लेकर आज पूरे जिले भर की कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय को माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया है। यदि आपको मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या करेंगे? अभी प्रदेश स्तर पे सभी जिलों में इनका ज्ञापन दिया जाएगा, और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो भोपाल में एक विशाल पूरे प्रदेश स्तर का धरना दिया जाएगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम सरकार को देखना पड़ सकता है।